सर, जब से ईशा मैम यहाँ पर आई है तब से इन लोगों के उनके साथ झगड़े ही चल रहे हैं। इनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि मैम यहाँ पर आए, और ये तो साफ नजर आ रहा था। ईशा की चिली यहाँ क्या कर रही है? शांत बस हो गया है। तुम्हें क्या नजर आ रहा था जरा ये हमें भी बताना। सर, ये कि आपकी फैमिली और ईशा मैम के बीच काफी टेंशन चल रही थी। आपके आपसी पुराने मतभेद है उनके साथ, और मेरी ईशा मैम अपने उसूलों की पक्की है। वो ये बात भोसले परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुला सगळं माहिती आहे कर पोरे। आपसी मतभेद में कोई किसी के ऊपर जान ले हुआ हमला करवाता है क्या? गोली चलवाता है क्या? कह रहा सवित चव्हाण, मुझे लगता है तुम जासूसी की जो किताब है ना कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगी हो। मुझे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे काय करता है साहब, तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? साहब, मैं समझ सकती हूँ सवि पर क्या गुजर रही है। दरअसल वो सवि और ईशा बहुत करीबी हैं, और फिलहाल ईशा जो स्थिति में है सभी बहुत परेशान है, इसीलिए ये सब कुछ कह रही है। सभी बड़ा, तुझे गलतफहमी हुई है। तुम्हें दूसरों पर इल्जाम लगाने में बहुत मजा आता है ना, तो एक बात ये भी जान लो, बिना सबूत के दूसरों पर इल्जाम लगाना भी एक जुर्म है। फिर तो अच्छा है सर, क्योंकि बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कह रही। ये देखिए सर, ये वो रिपोर्ट है जहां ईशा मैम ने भोसले इंस्टीट्यूट में हो रहे करप्शन के बारे में लिखा है। ये रिपोर्ट मुझे आज उनके सामान में मिली थी। राव साहब, क्या कह रही है ये लड़की? इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ पता होता तो पहले ही बता देता। इस रिपोर्ट को मैं पहली बार देख रहा हूं इंस्पेक्टर। छे, मला तो अजीब बात विश्वास होत नहीं सर। क्या ईशा वहीं हम लोगों से इतनी नाराज है कि हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारा अपमान करने के लिए ऐसी झूठी और बेबुनियाद रिपोर्ट बनाई उन्होंने? मेरी ईशा मैम कभी झूठ नहीं बोलती, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी मिक्स नहीं करती वो। ये सब आप लोगों ने किया। आप लोगों को डर था ना कि कहीं वो आप लोगों को एक्सपोज ना कर दे, इसलिए आप लोगों ने उन पर हमला करवाया। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर वन।